दोस्तों हम आए हैं आज जनेश्वर मिश्र पार्क के पिछले हिस्से में और यहाँ पर देखिए कबाड़ से कैसे चीज़ें बनाई गई हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत। और ये लोहे का है, आयरन का, और कितना बढ़िया ये बनाया गया। इसी तरह कई सारे स्ट्रक्चर हैं, ये देखिए बनाए गए हैं। बड़ा ही खूबसूरती को शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और सारे ये लोहे के हैं। ये देखिए ये जो रिम होते हैं टायर के, ये देखिए उनको बना के और कबाड़ से बड़ा ही बेहतरीन। और ये हाथों में कंगन जो है, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रिम हैं, टायर वाले रिम, इनको लगा के और बड़ा अच्छा बनाया गया है। और अनायास ही इसको देख के हम जा रहे थे कहीं और, यहाँ रुक गए हैं। बहुत ही बेहतरीन ये हैं, कई सारे हैं लगाए गए हैं। और कभी इस राह से गुजरिए अगर तो इसको एक बार ज़रूर ध्यान इस पर दीजिए, और एक नहीं अनेक हैं ये। हाथों में कंगन और नृत्य करती नृत्यांगना। और देखिए इसके घुंघरू पे ध्यान दीजिएगा, अगर घुंघरू पे ध्यान देंगे तो ये जो बल्ब होते हैं, छोटे छोटे बल्ब हैं, देखिए ये बल्ब हैं जो बाइक में आगे लगे रहते हैं, वो बल्ब हैं और उनको ही जोड़ जाड़ के सब बनाया गया है पूरा। ये देखिए पूरी एक श्रृंखला है, ये इस तरह के एक नहीं अनेक स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। और दिल्ली में भी मैंने सुना था कि कबाड़ से एक सेवन वंडर पार्क या इस तरह से कुछ बनाया गया था। ये लखनऊ में भी देख के बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे शहर को भी एक नई सौगात मिली है। और अगर आप आएंगे तो जनेश्वर मिश्र पार्क के पीछे हिस्से में जो रोड है और जो इकाना स्टेडियम के लिए जाती है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ देख के। कम से कम एक दर्जन ये हैं चित्र जिनको कबाड़ से इस तरह का रूप, और ये लखनऊ सौजन्य विकास प्राधिकरण, बहुत ही बेहतरीन। और हमें देख के कई लोग रुक गए हैं, फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, सबका ही ध्यान इस पर जा रहा होगा। और ये हमारे त्रिपाठी जी भी हैं, ये भी ले रहे हैं। बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है लखनऊ विकास प्राधिकरण का, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही नई नई चीज़ें शहर में आती रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।